कुछ लोग घर खरीदते हैं और कुछ लोग घर बनवाते हैं। इसके निर्माण के समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। घर में क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हर एक बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए नित नए नए उपाय करता रहता है। वह अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए गाड़ी, नौकरी, पैसा, घर आदि चीज़ों की व्यवस्था करता है। इसमें सबसे अहम होता है खुद का घर। कुछ लोग घर खरीदते हैं और कुछ लोग घर बनवाते हैं। इसके निर्माण के समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। घर में क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हर एक बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार नए घर के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भवन निर्माण की सामग्री में ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी आदि चीज़ें मकान में नए ही लगाने चाहिए। पुराने मकान में उपयोग की गई लकड़ी नए मकान में लगा सकते हैं। घर के दक्षिण में पाकड़ वृक्ष रोग, उत्तर में गुलाब वृक्ष नेत्ररोग उत्पन्न करते हैं। जिस घर में बेर, केला, अनार, पीपल और नींबू होते हैं, उस घर की वृद्धि नहीं होती। घर का मुख्य द्वार जिस दिशा में बनाना हो, उस तरफ से मकान की लंबाई को 9 बराबर भागों में बांटकर 5 भाग दाएं और 3 भाग बाएं छोड़कर शेष भाग में मुख्य द्वार बनाना चाहिए। घर से बाहर निकलने की तरफ को दायां माना जाता है। मुख्य द्वार पूर्व अथवा उत्तर में स्थित हो तो समृद्धि देने वाला होता है। दक्षिण में स्थित होने पर स्त्रियों के लिए दुख खदाई होता है। मुख्य द्वार के सामने वृक्ष होने से घर के मालिक को कई रोग हो सकते हैं। खंभा एवं चबूतरा होने से मृत्यु की आशंका रहती है, इसलिए घर निर्माण के समय छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखना पड़ता है।